राष्ट्रीय महामंत्री माननीय विनोद तावड़े जी उपस्थित हैं, उनके ठीक बगल में पार्टी के चुनाव आयोग विभाग के प्रमुख श्री ओम पाठक जी हैं। हम आज दो विषयों पर यहाँ उपलब्ध हैं। सबसे पहले जो आप प्रतिदिन दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, उसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था रखते हुए विकास को रफ्तार देने के लिए चर्चित सांसद माननीय रवनीत सिंह बिट्टू जी को माननीय विनोद तावड़े जी सर्वप्रथम पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएंगे, तत्पश्चात आगे हम बस यही आज के इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व माननीय विनोद तावड़े जी, केंद्रीय रेल आईटी मिनिस्टर, दोनों साथी माननीय अश्विन वैष्णव जी, माननीय ओम पाठक जी थे। तो सर्वप्रथम आज सदस्यता ग्रहण करने वाले माननीय बिट्टू जी का पार्टी की ओर से माननीय राष्ट्रीय महामंत्री महोदय अभिवादन करेंगे और तत्पश्चात अपने विषय को रखेंगे माननीय विनोद तावड़े जी। भारतीय जनता पार्टी के सह प्रवक्ता श्री संजय मयू जी, ओम पाठक जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प जो आगे ले जाना है, उस यात्रा में जुड़े श्रीमान रवनीत सिंह बिट्टू जी। जैसे कि हम जानते हैं कि रवनीत सिंह जी ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जी के ग्रैंडसन हैं। पहली बार आनंदपुर से सांसद बने, फिर 14 में लुधियाना से सांसद बने और बीच में जब अधीर रंजन चौधरी बंगाल चुनाव में गए उस समय कांग्रेस पार्टी के मुखिया भी मार्च से जुलाई तक उन्होंने वो जिम्मेवारी निभाई है। मेरा मानना है कि रवनीत जी का पार्टी के साथ जुड़ना पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने में उनका योगदान रहेगा और आज के निर्णय के बाद रवनीत सिंह जैसे व्यक्तिमत्व का पंजाब भाजपा, पंजाब की जनता इसके प्रति और दायित्व बढ़ता है और वो बहुत खूबी से वो निभाएंगे, ये मुझे विश्वास है। रवनीत जी के संबोधन के पहले